गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी के अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर बट सिग्निफिकेंट सफिशियंट रिकॉर्ड वर सेव्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर एसर्टेड। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2014 वॉज इतना। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज इतना। परचेज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 इतना है। सेल्स हमारी इतनी है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक परचेज इतनी है और सेल इतनी है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014 ₹2,300 हैड बीन रिटन ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वाज अ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने जो आपको कंसेप्ट में एक एबनॉर्मल और नॉर्मल आइटम का कंसेप्ट पढ़ाया था ये वही है। इन्होंने बोला कि जब हमने ये 31 दिसंबर 2014 का स्टॉक कैलकुलेट किया था या वैल्यू किया था तो इसमें से हमने 2300 रुपया कम कर लिए थे और जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 6900 थी। अ पोर्शन ऑफ दीज स्टॉक गुड्स वर सोल्ड इन मार्च एट अ लॉस। ये लॉस दिए हमें कि हमने इतने लॉस पे इसको बेचा है। ठीक है। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 3450। अब आप समझ जाइए कि 3450 की कॉस्ट थी और लॉस है 250 का। इसका मतलब बेचा हमने कितने में? एग्जैक्टली 3200 में। द रिमाइंडर ऑफ दीज गुड्स आर नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जो बाकी स्टॉक बचा है उसकी हमने ये एस्टिम किया है कि इसमें जो कॉस्ट थी इसकी उस पर ये बिक जाएगा। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शंस द ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेंड एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। मतलब इस पोर्शन को छोड़ दें तो बाकी सब पे हमारा स्टॉक का जो जीपी परसेंटेज है वो नॉर्मल है। द वैल्यू ऑफ गुड्स सॉल्वेट वाज इतना। द पॉलिसी वाज इतना विच वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। वर्क आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसको, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं इनमें से पहले हम अपने एक तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एसरटेन करेंगे और उसके बाद हम एक स्टॉक की लॉस एजम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे एसर्टेन ऑफ जीपी परसेंटेज। इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 का। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक है 73,500 परचेज दे रखी है हमको 3,98,000 सेल है 4,87,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वैल्यूड था 79,600 और इसमें से हमने जो रिटर्न ऑफ किया है उसको वापस से ऐड कर देंगे 81,900 तभी हमको नॉर्मल जीपी परसेंटेज निकलेगा। ठीक है। तो इसको प्लस प्लस माइनस करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखें जरा।
यहाँ का टोटल आ रहा है 5,68,900 और ये है 5,68,900। सो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है 97,400 और यही बैलेंसिंग फिगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज फॉर 2014 कितना आया, 97,400 अपॉन 4,87,000। ये जीपी परसेंटेज हमारा 20% आ गया, ठीक है जी। चलिए अब हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, एसरटेनमेंट ऑफ स्टॉक जो लॉस्ट हुआ है। ये आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसको हम बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक बनाएंगे। क्यों? डेट ऑफ फायर कितनी है, 1 अप्रैल 2015 है। इसको बनाने में आपको ध्यान ये देना है कि जो एबनॉर्मल आइटम है उसको आपने अलग कर देना है। यहां लिखेंगे आप नॉर्मल, यहां लिखेंगे एबनॉर्मल और ये टोटल। ठीक है, अब जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 81,900। यही ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा ना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया था कि ये जो एबनॉर्मल आइटम है इसकी कॉस्ट 6,900 है, तो इसकी कॉस्ट हो गई 6,900। इसका मतलब है जो 81,900 में से ये एबनॉर्मल वाला हटा दें हम, तो नॉर्मल का जो स्टॉक बचा वो 75,000 का बचा। ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद की परचेज और इसके बाद की सेल दी हुई है वो लिख लें। परचेजेज हमको दिए 1,62,000 की और सेल हमको दिए 2,31,200 की। परचेज तो हमने कोई अनॉर्मल आइटम किया नहीं है, इसका जितना भी परचेज हुई है वो हमारी नॉर्मल है। सेल जरूर हमने किया है, तो उसमें इन्होंने बताया कि हमने 250 रुपये की लॉस पर एक एबनॉर्मल आइटम बेचा है जिसकी कॉस्ट 3450 है, यानी कि सेल वैल्यू हमारी उस एबनॉर्मल आइटम की 3200 रुपये हो गई। इससे हमारी नॉर्मल आइटम की सेल निकल आई 2,28,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन 2,28,000, ये हो गया हमारा 2,28,000 का 45,600, ठीक है। सो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,82,600। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी स्टॉक लॉस्ट किया जाएगी, यहाँ आ रही है 54,600, ठीक है। ये 6,900 है,
ये 6900 है, तो यहाँ बैलेंस बचा 3450, तो जो टोटल स्टॉक है वो 58050 का कॉस्ट का, ये जीरो है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 250, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 289,500, ये 45,600, 289,500, ओके। अब ग्रॉस स्टॉक जो लॉस्ट है वो हमारा हो गया 58050 का, इसमें से स्टॉक सेल्वेज्ड किया है इन्होंने 5800 का, तो नेट जो लॉस्ट आया वो 52050 का आया, ठीक है। नाउ पॉलिसी अमाउंट ये हमारी है 50,000, तो हम लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जो ग्रॉस लॉस्ट हुआ है, अप्लाई करेंगे एवरेज क्लॉज, सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक जो होगा वो होगा 52050 इंटू 50,000 58050, ये अमाउंट बनेगी 45,004 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज़ अवर नेट स्टॉक जो लॉस्ट हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है सारी चीज़ों की। चलिए प्रैक्टिस करने से और क्लियर होगा। थैंक यू।